चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें ट्राई दीज के क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 327 में दिए हुए हैं ना। ये तीन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू सक्सेसिव ऑड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ फोर। ये हमको प्रूव करना है क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या क्या रीजनिंग दे सकते हैं, क्या डिडक्शन पेश कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग इसमें करेंगे और दिए हुए स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। समझ में आ गई बात? तो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू सक्सेसिव ऑड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ फोर। सक्सेसिव की जगह पर आप लोग कॉन्जिक्यूटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और दोनों का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव? आगे आने वाला, आगे आने वाला या पीछे आने वाला, उसके साथ लगा हुआ, जस्ट बाद, जस्ट बाद या जस्ट पीछे। अगर सक्सेसिव यूज करते हैं तो आप सिर्फ आगे की तरफ जाएंगे, जस्ट आगे आने वाला एक नंबर। लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव शब्द यूज होता है कहीं भी तो आप एक आगे वाला या एक पीछे वाला, कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द एडवांटेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड। ओके, वी हैव टू ऑड नंबर्स विच आर सक्सेसिव ईच अदर, एक के बाद जस्ट दूसरा आने वाला। ये दो नंबर हमने ले लिए और हमको ये प्रूव करना है कि दो ऑड नंबर अगर इस तरह से लिए जाएं तो दोनों का सम हमेशा फोर का मल्टीपल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर का मल्टीपल? फोर के टेबल में आने वाला। समझ आया? और पिछली क्लास में, बेसिक लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इवन नंबर को हम कैसे लिखते हैं और ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम चूजिंग वन ऑड नंबर 3, देन व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑफ इट? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, नॉट फोर। ऑड 4 इज ए इवन नंबर, 5। पहला एक ऑड नंबर मैंने चुना और मैं आपसे बोलता हूं इसका जस्ट कॉन्जिक्यूटिव बताइए, दूसरा अगला ऑड। कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे तो आप आगे या पीछे कोई भी एक बता सकते हैं। जैसे 3 अगर मैंने चुना तो उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड और कौन हो सकता है? या तो 5 या तो 1, दोनों में से कोई भी, अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज करता हूं। हमारे बुक में सक्सेसिव वर्ड यूज किया है, सक्सेसिव शब्द हमेशा आगे के लिए आता है, किसके लिए? तो अगर मैं 3 एक ऑड नंबर लेता हूं तो उसके जस्ट सक्सेस वाला ऑड नंबर कौन सा होगा? 5 ही होगा, 1 नहीं ले सकते आप। समझ आया? लेकिन अगर वो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज करते तो आप 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, अगर एक नंबर मैंने 3 लिया तो उसका सक्सेसिव ऑड नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। ये चीज समझ में आया? 3 से 5 तक जाने में एक ऑड नंबर के बाद दूसरा सक्सेसिव ऑड नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? कितने का डिफरेंस है दोनों ऑड नंबर में? दोनों ऑड नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2। तो अगर मैं आपको एक ऑड नंबर बताता हूं 3 और मैं आपसे बोलता हूं जस्ट इसके बाद वाला ऑड बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 ऐड कर दीजिए, बाद वाला ऑड नंबर आ जाएगा। बात समझ में आया? अब ये बताइए, एक ऑड नंबर रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने डिस्कस कर लिया, कैसे लिखते हैं ऑड नंबर को? 2k+1, k इज एनी इंटीजर, प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है, वो समझ रहे हैं? वो सिर्फ समझाने की बात है। 2k+1 इज ए फॉर्मेट ऑफ ऑड नंबर, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो और क्या मिल जाएगा? अगला ऑड नंबर। फिर से 2 जोड़ देंगे तो और क्या मिल जाएगा? उसके बाद वाला ऑड नंबर। बात समझ रहे हैं? एक ऑड के बाद दूसरा ऑड लाना है तो 2 जोड़ दीजिए, अगला ऑड मिल जाएगा, क्योंकि दो ऑड के बीच में डिफरेंस सिर्फ कितने नंबर का होता है? 2। तो आप 2 ऐड करेंगे, अगला ऑड मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ऐड किए जाएंगे हमेशा उनका एडिशन कैसा आएगा? 4 का मल्टीपल आएगा। प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ इसको प्रूफ, या सबसे पहले हम लोग गिवन बना लेते हैं जैसा हमारा अभी तक का मोटस ऑपरेंडिस रहा है काम करने का तरीका। सबसे पहले वी हैव टू ऑड नंबर, लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी, एक ऑड नंबर को हम क्या ले लें? 2k+1 फर्स्ट ऑड नंबर। k मे बी एनी इंटीजर, मे बी एनी इंटीजर। इंटीजर वर्ड समझ रहे हैं आप ना? क्या ये कोई नंबर होगा जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। के मे बी एनी इंटीजर, ये पहला ऑड हुआ। देयरफोर
सेकंड ऑड नंबर क्या बन जाएगा, ये एक है, इसमें टू ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा अगला आने वाला ऑड नंबर, बात समझे आप? सो दिस इज 2k+1, इसमें 2 ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, 2k+3, समझ रहे हैं? तो ये रहा हमारा पहला ऑड नंबर और ये रहा हमारा दूसरा ऑड नंबर, बात समझ गए? नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमसे ये बोला जा रहा है दो ऑड नंबर जोड़िए, ठीक है ना, हम चाहें तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए ए विल बी फर्स्ट ऑड नंबर एंड बी इज अवर सेकंड ऑड नंबर। नाउ प्रूफ, इफ वी एड द टू ऑड नंबर्स देन वी गेट मल्टीपल ऑफ 4, हमको ये मिलेगा कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, 4 का मल्टीपल आ रहा है। दोनों ऑड नंबर हमने ऐड किया, आप ये लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑड नंबर इज 2k+1 ए की जगह, फिर प्लस बी की जगह क्या लिखना है, 2k+3, 2k+2k 4k, 1+3 4, 4 कॉमन निकाल लीजिए, दिस इज 4k+1। अब 4 इस पूरे के मल्टीपल में है, दिखा, इसके बाद प्लस के बाद कुछ और आया क्या, नहीं आया ना, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज कोशेंट। प्लस के बाद क्या लिखते हैं आप, रिमाइंडर, प्लस के बाद कुछ है क्या, मतलब रिमाइंडर कितना रहा होगा, जीरो। इसका मतलब है 4 ने इसको पूरी तरह से, इसको नहीं, जो भी नंबर यहां डिवाइड हो रहा है, कौन, ये दो ऑड नंबर का सम, तो 4 ने उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, इसलिए तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। और अगर कुछ नहीं बचा, 4 अगर इन दोनों को डिवाइड कर देता है, जब आप 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीपल 4 कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा ना, 4 इसका मल्टीपल हो गया, आगे कुछ भी नहीं आया, तो हो गया ना प्रूफ, नहीं आया समझ में, आया समझ में? आप चाहें तो एक स्टेप इसको और बढ़ा लीजिए, इतने लंबे को हम छोटा कर सकते हैं, वी विल कॉल इट एम, ठीक है। इधर क्या है, सम ऑफ टू ऑड नंबर, इट इज इक्वल टू 4 × m, व्हाट इज m, k+1, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि दो ऑड नंबर का सम 4 का मल्टीपल आता है। m मे बी एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, देखिए किसी इंटीजर में जब 1 जुड़ेगा तो इंटीजर ही बनेगा ना, तो m भी क्या हो गया, कोई इंटीजर हो गया, किसी इंटीजर का 4 से मल्टीप्लाई होना, ये क्या बताता है, 4 का मल्टीपल बनना, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, समझे ना, इसको 4 गुना किए होंगे तब इसका सम बना होगा, तो ये क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हुआ कि नहीं, हुआ ना, ठीक, इसका ये मतलब है और ये प्रूफ हो गया यहाँ पर आकर के, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, आंसर है ऑड नंबर का डेफिनेशन यूज़ किया, उसके जस्ट बाद आने वाला ऑड नंबर ये क्या है, एक्सियम, समझ आ रहा है ना, किसी ऑड में 2 जोड़ेंगे तो अगला ऑड मिलेगा, दिस इज एक्सियम, ये है ऑड का डेफिनेशन, ये है एक्सियम नेक्स्ट ऑड पाने के लिए। और बस हमने दोनों को सम किया, हमने देखा हमको क्या मिला, 4 का मल्टीपल मिलता है दो ऑड नंबर का सम, बात समझ में आया, बस इसका इतना ही प्रूफ है, ये प्रूफ हो गया। अगर आपसे लिस्ट पूछी जाए कि इसमें क्या डेफिनेशन यूज हुआ, क्या एक्सियम यूज हुआ, कौन से सिंबल, कौन से साइन यूज हुए, कौन से मैथमेटिकल राइट्स यूज हुए, आप लिख लेंगे, ठीक है ना, ठीक, नोट करें इसको। और अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है राइट द डिड्यूस्ड स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। हमको कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं और फिर बोला जाता है इसका डिडक्शन फॉर्म लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिड्यूस्ड स्टेटमेंट, आंसर है रिजल्टिंग स्टेटमेंट। क्या, दोनों को मिला करके जो निष्कर्ष निकलता है ना, उस निष्कर्ष को हम लोग रिजल्ट बोलते हैं या डिडक्शन बोलते हैं। डिडक्शन करना, काट छाट देना, समझ रहे हैं ना, काट छाट के छोटी सी बात करना, ये रिजल्ट है खाली, दिस इज डिड्यूस स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए स्टेटमेंट नंबर ए क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्टेटमेंट नंबर बी क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, आपको इसका निष्कर्ष लिखना है,
क्या लिखना है? निष्कर्ष यानी डिड्यूस स्टेटमेंट. दिस इज वन स्टेटमेंट, दिस इज अनदर स्टेटमेंट. यू हैव टू कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट एंड राइट योर ओन स्टेटमेंट इन शॉर्टेस्ट फॉर्म. सबसे छोटे तरीके से आपको एक स्टेटमेंट, अपना स्टेटमेंट कोट करना है, वो आपका स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? डिड्यूस स्टेटमेंट. क्या कहलाएगा? या रिजल्टिंग स्टेटमेंट. हम लोग दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं. आप चाहें तो उसको डिड्यूस स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या आप चाहें तो इसी को रिजल्टिंग स्टेटमेंट बोल सकते हैं. ठीक है, ठीक है ना. इसमें ना ये सिर्फ कॉलन लगाते हैं हम लोग, ये दो कॉलन. ठीक है, आगे का एरो नहीं लगाते. लिखने का तरीका, दो कॉलन लगाइए और लिख दीजिए. जैसे स्टेटमेंट के बाद दो कॉलन लगे हुए हैं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगले स्टेटमेंट के बाद दो कॉलन, उसके बाद स्टेटमेंट. इसी तरह से आप अपना डिड्यूस स्टेटमेंट या रिजल्टिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद दो कॉलन ऐसे लगाएंगे और अपना स्टेटमेंट लिखेंगे. आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है. स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल. अगला, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है. स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर भी, ये वही हो गया ना, ए बी के बराबर, सी बी के बराबर, तो ए और सी भी आपस में बराबर. समझे कि नहीं समझे? देखिए, ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, या ऐसे बोलता हूँ मैं, ए बी के बराबर, सी बी के बराबर, तो ए और सी भी आपस में बराबर. तो स्क्वायर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है. बात समझ आए ना? ये बिल्कुल वही तरीका है. सो स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. दिस इज अवर रिजल्टिंग स्टेटमेंट. ये चीज आपको समझ आ रहा है? ये जो एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा हूं, देखिए, ए बी के बराबर, सी बी के बराबर, तो ए और सी आपस में भी बराबर. ये लिखे इस तरह से हैं, ए बी के बराबर और बी सी के बराबर. ये इस तरह से लिखा है. देखो, ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, दिख रहा है? बी 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 बी, तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे? ये समझ आ रहा है ना? ठीक है ना, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये वर्ड में लिखा हुआ है. आपको ये चीज़ समझनी है. ये निष्कर्ष है ना, ये निष्कर्ष निकल आया दोनों का. समझ आया? इसी तरह से एक अगला स्टेटमेंट इसी में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक है आपकी बुक में, आप उसको करेक्ट करेंगे. स्टेटमेंट नंबर 1 ए देखिए ना, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, इसके बाद ना दूसरा वाला लेते हैं बी, क्वेश्चन नंबर 2 में ही सेकंड वाला. स्टेटमेंट ए क्या दिया हुआ है? कॉर्ड ए बी मेक्स और सबटेंड्स एंगल ए पी बी ऑन पेरीमीटर ऑफ सर्कल. ठीक है ना, इसके बाद का स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट बी, कॉर्ड ए बी इज ए डायमीटर. दो स्टेटमेंट देगा तब तो आप रिजल्टिंग स्टेटमेंट लिख पाएंगे. एंड रिजल्टिंग स्टेटमेंट या डिड्यूस स्टेटमेंट, यहां हमको रिजल्ट लिखना है. इसका फिगर भी बना हुआ है बुक में, तो आप फिगर भी देख के समझ सकते हैं. और इसका पूरा एक चैप्टर आपने बनाया है. ठीक है, कौन सा चैप्टर था वो? सर्कल एंड टेंजेंट. ये ऐसे, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी. पढ़िए, पहला स्टेटमेंट क्या है? कॉर्ड ए बी मेक्स एंगल ए पी बी. दिस इज पी नॉट सी, पी. ठीक है, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ. दिस इज ए पी बी, ए पी बी, दिस इज एंगल. ठीक है ना, सो एंगल ए पी बी इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी. ठीक है ना, इस कॉर्ड ए बी ने इस एंगल पी को सबटेंड किया कहाँ? ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? सर्कमफेरेंस.
सरकमफेरेंस पर इसने सबटेंड किया, कॉर्ड ए बी ने। दूसरी चीज, कॉर्ड ए बी खुद कौन है? डायमीटर। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप क्या जानते हैं? हाँ, क्या? एंगल पी इज, वेरी गुड, क्योंकि यही हम जानते हैं। एक डायमीटर सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बनाता है? 90। ठीक है, तो इसको बताने के उन्होंने दो रास्ते चुने। पहला तरीका आपको बताया, एक कॉर्ड है जो पेरीमीटर पर एंगल बनाता है, सबटेंड करता है। दूसरी बार आपको क्या बोल दिया, ये कॉर्ड क्या है? डायमीटर। अब हमको पता है डायमीटर पेरीमीटर पर जो एंगल बनाता है वो कितना होता है? 90। सो कॉर्ड ए बी मेक्स एंगल ऑन पेरीमीटर एंड दिस कॉर्ड इज डायमीटर, सो एंगल ए पी बी इज 90 राइट एंगल। बस हो गया, जो हम जानते हैं वो निष्कर्ष हो गया। बात समझ आया कि नहीं आया? आया ना, ठीक है। इसके बाद क्या एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए बी सी ई, ए बी सी डी होना चाहिए ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर टू रेक्टेंगल्स, देन व्हाट वी कैन डिड्यूस अबाउट देयर एंगल्स, साइड्स एंड डायगनल्स, व्हाट वी कैन से अबाउट देयर कंगुरेंसी एंड सिमिलैरिटी। दो रेक्टेंगल्स हैं, दोनों के साइज छोटे बड़े हो सकते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है ना। देखिएगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या बताना है। यहाँ पर मैं नोट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हमारे पास दो रेक्टेंगल हैं, ध्यान से देखिए। एक रेक्टेंगल है सपोज ये, जी इसका नाम मैं रख रहा हूँ ए बी सी डी, दिस इज वन रेक्टेंगल। दूसरा रेक्टेंगल हो सकता है इससे छोटा हो, या हो सकता है इससे बड़ा हो, या ये भी हो सकता है सेम साइज का हो। समझ रहे हैं? छोटा बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, ये इससे छोटा भी हो सकता है, या सेम साइज का हो सकता है। तीनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। हम कौन सा ले रहे हैं? छोटा वाला। आप चाहें तो बड़ा बना के ले लें, आप चाहें तो सेम बना के ले लें। जैसा फिगर आप बनाएंगे उसी के हिसाब से आप आगे निष्कर्ष देंगे, डिडक्शन स्टेटमेंट देंगे। बात समझ रहे हैं? मैंने इसको छोटा बनाया है और इसका नाम मैं रख रहा हूँ पी क्यू आर एस। अब इन दोनों के बारे में हमको बताना है, किसके किसके बारे में? एंगल, साइड और डायगनल। क्या बता सकते हैं हम लोग? सबसे पहले ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, तो इसके सारे एंगल 90, 90, तो इसके भी सारे एंगल 90, 90। तो पहली चीज आप क्या लिख सकते हैं? बोथ रेक्टेंगल्स आर इक्वी एंगुलर, बराबर बराबर एंगल वाले, ठीक है ना। एंगल तो सेम होगा दोनों में 90। इक्वी एंगुलर का मतलब सेम एंगल वाले, इक्वल एंगल वाले 90, 90, ठीक है। दूसरा, मैंने इस ट्राइंगल को छोटा बनाया है। अब आप ट्राइंगल के बारे में, सॉरी रेक्टेंगल को, इस रेक्टेंगल को मैंने छोटा बनाया है और आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं क्या? रेक्टेंगल आर बेसिकली पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। समझ आया? तो ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा? 2। ये 5 का है तो ये भी कितने का होगा? 5। ये नहीं बदल सकता, समझ आया? ये अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा? 10। ये अगर 4 का है तो ये भी कितने का होगा? 4। समझ आई बात? अब दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 2, समझिएगा। दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 5। बात समझ में आया? क्या चीज सेम है? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। इसको हम बोल सकते हैं सभी साइड्स प्रपोर्शन है, रेशियो इक्वल होना मतलब प्रपोर्शन होना। दूसरा, ये तो हो गया एंगल के बारे में, इक्वी एंगुलर। दूसरा, हम साइड्स के बारे में बता रहे हैं क्या? ऑल साइड्स, साइड्स या करस्पॉन्डिंग ही लिख लो, ठीक है। ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल। ये बात समझ रहे हैं? अदरवाइज प्रोपोर्शनल अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो आप क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो बचाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर ले रहे हैं? प्रोपोर्शन, ठीक है। ये साइड्स के बारे में हो गया, ये एंगल, ये साइड। तीसरी बात किसके बारे में करना है? डायगनल। रेक्टेंगल के डायगनल कैसे होते हैं बताइए? इक्वल इन लेंथ, वेरी गुड। याद है आपको?
रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल और आपस में बाइसेक्ट भी होते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। तो ये बताइए, अगर ये और ये डायगोनल बराबर, ये और ये डायगोनल बराबर, ये 10 तो ये 5, ये 4 तो ये 2, साइड साइड इक्वल इक्वल रेशियो, तो डायगोनल डायगोनल भी इक्वल इक्वल रेशियो। जब सारे चारों साइड बराबर रेशियो में आ जाते हैं तो डायगोनल भी बराबर बराबर होते हैं, इस फिगर के डायगोनल बराबर, इस फिगर के डायगोनल बराबर, तो इनका रेशियो भी कैसा हो जाएगा? इक्वल। तो डायगोनल भी क्या होंगे? प्रोपोर्शन। ठीक है, ऑल करस्पॉन्डिंग डायगोनल्स आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल। दिस इज अवर स्टेटमेंट। और आखिरी चीज उन्होंने पूछी है, वॉट यू कैन से अबाउट कंगुरेंसी और सिमिलैरिटी। तो इट्स टोटली डिपेंड कि कौन सा फिगर आपने बनाया है, सेम साइज का फिगर बनाया है या छोटा बड़ा बनाया है। मैंने कैसा बनाया है? छोटा बड़ा। इसलिए इस फिगर के हिसाब से मैं क्या बोलूँगा, दोनों क्या हैं? सिमिलर। अगर मैं इसको भी इसी के बराबर बनाता तो मैं क्या लिखता? प्रपोर्शन। फिर मैं नहीं लिखता, फिर मैं क्या लिखता? इक्वल 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 इक्वल। समझ रहे हैं? और फिर लास्ट में क्राइटेरिया क्या देता मैं? कंगरेंट है दोनों। अभी मुझे क्या लिखना है दोनों को? सिमिलर। वेरी गुड। सो बोथ रेक्टेंगल आर सिमिलर। हो गया, समझ रहे हैं? खाली आपको लिखने का हुनर आना चाहिए, समझ रहे हैं ना? वो आपको सिर्फ इस चैप्टर में यही देखना चाहते हैं कि आप चीज़ों को कैसे प्रूव करते हैं, कौन कौन से एनालॉगी यूज़ करते हैं आप। समझ आ रहा है? तो आपको सिर्फ लिखने का हुनर आना चाहिए। इस चैप्टर से 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और वो 4 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, अगर लिखने का हुनर आता है तो। समझ गए? चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले ट्राई दिस की तरफ और वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये नोट करें,